वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में डीडॉस अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कोड है पाइथन मशीन लर्निंग पर बेस्ड है एंड इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो टीसीपी सिंक अटैक को डिस्कस करेंगे, यूडीपी अटैक डिस्कस करेंगे एंड आईसीएमपी अटैक। तीनों कोड के जो डेटा सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों कोड के रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे, तो हम तीनों कोड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल्स पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनके कोड चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो देन उसके बाद आप मेल सेंड कर सकते हैं, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको किसी और न्यू टॉपिक पर कोड चाहिए तो आप मुझे टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीसीपी सिंक अटैक, ओके। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज यूज की है, सबसे पहले नंपाई न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड करने के लिए, सीबॉन ग्राफ प्लॉट करने के लिए, पांडास डेटा सेट को रीड करने के लिए, मैटप्लॉट ताकि ग्राफ प्लॉट कर सके, ओके। तो यहाँ पे मैंने टीसीपी सिंक अटैक का डेटा सेट दिया हुआ है, मैं आपको एक बार डेटा सेट शो कर देती हूँ। तो जो डेटा सेट है इसमें ये वेरिएबल्स हैं, ड्यूरेशन, प्रोटोकॉल टाइप, क्योंकि इसमें अब टीसीपी का हमारा प्रोटोकॉल है तो ये टीसीपी की प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ इसमें डेटा सेट है वो 18,231 है, ठीक है। एंड ये आप टोटल वेरिएबल्स देख सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ओके। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट को इम्पोर्ट कर लिया है, डेटा सेट को इम्पोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। अब हमने फीचर्स में हमने कुछ वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं गाइस, जैसे अगर आपके पास डेटा सेट है और इसमें इस डेटा सेट में अप्रोक्स आपके जो वेरिएबल्स हैं वो अप्रोक्स आपके 42 हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 कॉलम्स, 42 इसमें वेरिएबल्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम 42 का ही रिजल्ट हम प्लॉट करें या फिर हम 42 ही सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं होता है। हर एक डेटा सेट में जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वेरिएबल पे मैं ज्यादा फोकस करूं और बाकी वेरिएबल्स को निग्लेक्ट कर दूं। तो आप सबसे पहले जो भी डेटा सेट है सबसे पहले उसको पेयर प्लॉट प्लॉट करें, ठीक है। तो होता है जो डेटा सेट है उसका पेयर प्लॉट अगर आप बनाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होगा आप उसी पे फोकस करें तो आपके जो भी रिजल्ट होंगे बहुत अच्छे होंगे, ओके। तो ये मैंने मुझे ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट मिले तो मैंने इनको वेरिएबल्स को लिया है, टारगेट वेरिएबल्स मेरा रिजल्ट है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो रिजल्ट को मैंने टारगेट में लिया हुआ है, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट के लिए यूज करेंगे। फीचर्स वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है मैंने एक्स के, सॉरी फीचर वेरिएबल जो मैंने एक्स के अंदर लिया हुआ है, टारगेट वेरिएबल मैंने y के अंदर लिया हुआ है। लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने हीट मैप प्लॉट किया ताकि हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। जो एक्यूरेसी के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए मैंने एक्यूरेसी के लिए मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज किया हुआ है, और इसमें और भी फोर एल्गोरिथम्स हमने यूज किए हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। के बेस्ट इसमें यूज की हुई है टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया हुआ है, के नाइबर्स क्लासिफायर यूज किया हुआ है, एमएलपी क्लासिफायर यूज किया हुआ है एंड डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सीरीज में आपको दिख रहे होंगे ना, ये लीनियर रिग्रेशन है, ये केएनएन है, सॉरी केएनसी, ठीक है। यहाँ पे केएनसी आप ये केएनसी है, ये एमएलपी है, ये आईडी3 है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने मॉडल बनाया, मॉडल वेरिएबल बनाया, सबसे पहले मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया है, के नाइबर्स क्लासिफायर लिया हुआ है, एमएलपी क्लासिफायर लिया हुआ है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिया हुआ है, ठीक है। इसको फिर मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अभी जो आप एक्यूरेसी दे सकते हैं, सबसे पहले जो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से जो एक्यूरेसी मुझको मिल रही है वो 99.9% मिल रही है, ठीक है। सेकंड मुझे सभी से एक्यूरेसी गाइस बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन इससे जो एक्यूरेसी अगर मैं इसको 8 को निग्लेक्ट करूंगी तो ये अप्रोक्स 100% तक पहुंच ही जाएगा। तो सेकंड की लाइक के नाइबर्स क्लासिफायर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है, एंड लास्ट में है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर की एक्यूरेसी भी बहुत बेस्ट आ रही है। अब गाइस है इसका टीसीपी अटैक का, हमको क्लासिफाई कर रहे हैं इस कोड के थ्रू, जो भी हमारे रिजल्ट मिले हैं उसको हम
स्कोर के थ्रू हम क्लासिफाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अगर गाइस हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो लाइन है ये आपको लाइन दिख रही है, अगर ये ऊपर की तरफ जाती है इट मीन्स आपका जो एक्यूरेसी और जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसके नीचे KNN के ऊपर है, MLP के नीचे है, IDT के ऊपर है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि KNN और डिसीजन ट्री बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ LR एंड MLP। ओके, अब स्टार्ट करते हैं UDP। तो UDP का डेटा सेट आपको मैं दिखा देती हूँ। गाइस आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ये आपका यूडीपी का डेटा सेट है, तो यूडीपी के प्रोटोकॉल में यूडीपी यहाँ पे शो होगा आपको, ठीक है। ये आपका डेटा सेट यूडीपी का है। अब कोड देख लेते हैं, वही स्टेप्स यहाँ पे यूज हुए हैं, कोई डिफरेंट स्टेप्स नहीं है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि हर एक डेटा सेट में वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, टारगेट वेरिएबल सेम है बट यहाँ पे फीचर्स वेरिएबल चेंज हो गए हैं। आप सबसे पहले पेयर प्लॉट प्लॉट करें, देन उसके बाद आप वेरिएबल चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और डेटा सेट पे वर्क करें, आप ये डेटा सेट पे वर्क करें तो ये वेरिएबल्स गाइस बहुत अच्छे हैं, इनको आप चेंज भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हीट मैप प्लॉट किया हुआ है, हीट मैप आप देख सकते हैं। अगर हीट मैप गाइज आप कैसे पता करें कि हीट मैप हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर गाइज हमारे बीच में हमारे 1111 वैल्यू शो हो रही है, इट मींस कोरिलेशन बहुत अच्छा है, हीट मैप हमारा अच्छा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेम एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन से 70% एक्यूरेसी आ रही है अप्रॉक्स, ठीक है। और सेकंड वाले से लाइक के नाइबर्स क्लासिफायर से हमको 74% मिल रही है, थर्ड वाले से 74% और लास्ट वाले से 77%। तो जो 77% वाला बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ भी ऊपर ही जाएगा, देखिए इसी के थ्रू जैसी एक्यूरेसी हमको मिल रही है वो यूडीपी अटैक हमारा उस टाइप से वो जो भी एल्गोरिथम है वो उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ICMP अटैक। तो ICMP अटैक में मैं डेटा सेट आपको शो कर देती हूँ उसका। ठीक है, ओके। तो ये ICMP का आपका डेटा सेट है, यहाँ पे प्रोटोकॉल ICMP यहाँ पे होगा, ये जो सर्विसेज हैं ये वैल्यूज हैं जो चेंज हो चुकी हैं, ये ICMP का आपका डेटा सेट है, ओके। अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, यहाँ पे इसके कॉलम नेम जो है ये है और डेटा सेट हमने इम्पोर्ट कराया। डेटा सेट इम्पोर्ट कराने के बाद जो आपका डेटा सेट है ये सबसे पहले ये आपका हीट मैप जो है गाइस इस टाइप से आपका शो हो रहा है, बीच में से वैल्यूज गायब है, ये डेटा सेट का जो आपका आपका हीट मैप इस टाइप से शो होगा। जो फोर एल्गोरिथम्स हमने ली थी उसकी एक्यूरेसी फर्स्ट वाले की 99% आपको मिल रही है, सेकंड की भी 99% मिल रही है, थर्ड वाले की थोड़ी कम है, बाकी तीनों से कंपैरिजन में आप देख सकते हैं थर्ड वाले की थोड़ी कम है और फर्स्ट वाले की भी थोड़ी कम है। अब इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं, सेकंड वाले की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, फर्स्ट वाले की कम बताई थी मैंने और थर्ड वाले की भी कम बताई थी। तो सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है फोर्थ वाले जो एल्गोरिथम है वो अटैक को क्लासिफाई करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूजफुल है। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।